कहा है।
स्वर में पढ़िए, जैसे कि सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए और विश्व शांति। उसके आगे है उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होता है, अधिक से अधिक शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे महाभारत महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य है, पारसी तो अग्नि की पूजा करते हैं, धर्म के अनुसार महाभारत महाकाव्य है, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में पढ़ते हैं। तो कौन से धर्म के लोग कहाँ जाते हैं? तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? अग्नि की। हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। यह राम का मंदिर है, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, ईद मुस्लिम का त्यौहार है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। यहाँ पे शब्द दिए क, प्रश्न त्रण, यहाँ पे क से कौआ, कमल, कागज और कौशल, ऐसे शब्द बनाए हैं। उसके आगे घ दिया है, चलो घ से शब्द बनाने हैं। घ से गणेश, और गमला, गज, गीत, उसके आगे दूसरा है गर्णों ग, गर्ता ग, इससे कौन से शब्द बनेंगे? जैसे कि सबसे पहले गर, उसके बाद घड़ी, उसके बाद घंटा, घंटा के बाद घटना, ऐसे घर के घर से ये सब शब्द बनते हैं, जैसे घर, घड़ी, घंटा और घटना। उसके बाद च, चरखा, च से चरखा, चमचा, उसके बाद चटाई, चरण, मकान, म से महल, मकान, मक्खन और मोर, म से ये सारे शब्द बनते हैं, जैसे ग से गणेश, गमला, गज, घी, ग से घर, घड़ी, घंटा।
यहाँ पे अधिक से अधिक शब्द बनाए, इसमें से ढूंढकर शब्द सारिणी जो दी है उसमें से ग्रंथ जाति के नाम ढूंढने हैं, ग्रंथ और जाति के नाम ढूंढने हैं। तो यहाँ पे वाक्य बनाएंगे, अलग अलग है यहाँ पे। बाइबिल, बाइबिल धर्म ग्रंथ है, यहाँ पे दिया है जैसे कि बाइबिल, बाइबिल धर्म ग्रंथ है। से महाभारत, जैसे कि महाभारत, तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। उसके बाद तीसरा वाक्य क्या बनेगा? हिंदू मंदिर में जाते हैं, हिंदू वहां जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं। उसके बाद है मुसलमान, तो मुस्लिम मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। क्या करते हैं मुसलमान? मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। यम राज का मंदिर है। अवेस्ता पारसी का धर्मग्रंथ लिख लो विद्यार्थी मित्रों।
के सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। इस तरह इस शब्द सारणी को देखकर हमने ये सारे वाक्य बनाए विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया था बाइबल, बाइबल एक धर्म ग्रंथ है, तो यहाँ पे महाभारत, महाभारत महाकाव्य है, पारसी, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मुसलमान मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, मंदिर यह राम का मंदिर है, अवेला अवेला पर अवेला पारसियों का धर्म ग्रंथ है, रामायण रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, मुस्लिम ईद मुस्लिम का त्यौहार है, साई साई एक संत है, साई क्या है, साई एक संत है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है, सिख सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। इस तरह यहाँ पे इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्ड कर सुनाइए, मतलब इसको सुनाए आप लोग सुनना, यहाँ पे अभ्यास पूर्ण होता है और स्वाध्याय दिया है, स्वाध्याय के प्रश्न हैं, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं, प्रकृति के कौन कौन से तत्व है इस काव्य में, चंद्र सूर्य भूमि आकाश हवा पानी
प्रकृति के तत्व हैं, ये सब प्रकृति के तत्व हैं। उसके बाद दूसरे प्रश्न का आंसर है, एक शब्द एक लोक काव्य में ऐसा शीर्षक क्यों रखा गया है। एक शब्द एक लोक काव्य का ऐसा शीर्षक क्यों रखा गया है। तो इस काव्य में कवि ने बताया है कि पूरे विश्व की समानता में एकता सिद्ध की है, इसीलिए इसका शीर्षक ऐसा रखा गया है। क्या आंसर आएगा इस काव्य में? कवि ने बताया है कि पूरे विश्व की समानता में एकता उसके बाद तीसरा प्रश्न, आप इसके अलावा कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? आप इसके अलावा कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? इसके अलावा कौन कौन सा शीर्षक है इस काव्य में? एक विश्व, एक विश्व, एक द्वारा, हम सब विश्व बंधु। ऐसा शीर्षक देना चाहेंगे। उसके बाद ये चौथा, सभी नदियां अलग अलग हैं, फिर भी कवि कहते हैं कि एक ही पानी। सभी नदियां अलग अलग हैं, फिर भी कवि कहते हैं कि एक ही पानी। तो वैज्ञानिक संरचना एक जैसी
समुद्र का पानी मनुष्य के लिए एक समान है। इसीलिए कवि कहते हैं कि सभी नदियां अलग अलग हैं, फिर भी कवि कहते हैं कि एक ही नदी एक ही पानी। उसके बाद यहाँ पे विरोधी शब्द दिए उदाहरण के अनुसार। ये बिल्कुल विद्यार्थी मित्रों, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बने हो उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे शब्द है विलोम, यहाँ पे पास शब्द दिया है, उसका विलोम दिया है दूर। उसके बाद दिया है प्रकाश, प्रकाश प्रकाश का विरोधी क्या होगा? अंधकार। अशुभ, शुभ नु विलोम शु थाय अशुभ। जीवन, जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? मृत्यु। जैसे निगम भी चलता है, जड़ तो चेतन, जड़ तो चेतन, नाश तो नाश का विरोधी क्या होगा? स्वामी। नाश का विरोधी क्या होगा? स्वामी। पास तो दूध, प्रकाश तो अंधकार, शुभ तो अशुभ, जीवन तो मृत्यु, जड़ तो चेतन, दास तो स्वामी। ऐसे इसके विलोम शब्द होते हैं। और इसको उदाहरण के अनुसार इसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है? तो शुभ, शुभ का क्या होगा? विजयादशमी के दिन सबके लिए शुभ होते हैं, विजयादशमी के दिन सबके शुभ होते हैं। अशुभ, तो कल का दिन मेरे लिए अशुभ था। ऐसे वाक्य अगर ऐसा पूछा जाए कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो दोनों वाक्य में प्रयोग कर दें। एक तो सबसे पहले शब्द का भी करना है और उसका विलोम शब्द का भी करना है। जैसे चेतन, वृक्षों में भी चेतन है, चेतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो जड़, वनस्पति जड़ नहीं है। जीवन, तो औषधियां हमें जीवन देती है, औषधियां हमें जीवन देती हैं, उसका विलोम शब्द तो मृत्यु, औषधियां हमें मृत्यु से बचाती हैं, औषधियां हमें मृत्यु से बचाती हैं। स्वामी, तो ईश्वर सबका स्वामी है, स्वामी तो ईश्वर सबका स्वामी है। दास, वह किसी का दास नहीं है, वह किसी का दास नहीं है। प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अंधकार, दीपक अंधकार दूर करता है, दीपक अंधकार का नाश करता है। ऐसे विलोम शब्द जो दिए, शब्द का भी वाक्य बनाना है और जो उसके विलोम शब्द है उसके भी वाक्य बनाने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद जो दिया है
समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए, जैसे कि आना तो जाना, जैसे कि सुनकर तो पढ़कर, मेहरबान तो बागबान, सेठनी सेठानी तो जेठानी, ऐसे शब्द इसके बनते हैं। उसके बाद प्रश्न चार से जो बाकी रहता है वो जो अपना नेक्स्ट पीरियड आएगा विद्यालय